In this question, we have to find the sum r equal to 2 to infinity 1 upon r square minus 1. तो ये जनरल टर्म तो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखी हुई है, लेकिन r को हमको 2 से इन्फिनिटी पुट करना है. तो सबसे पहले हम मैनिपुलेशन करके ये जो जनरल टर्म है इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. सो डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टराइज एट r माइनस 1 इंटू r प्लस 1, एंड इट कैन बी इजिली फैक्टराइज एज वी कैन स्प्लिट इट दिस फैक्टर्स 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस 1 अपॉन r प्लस 1. अब इसको क्रॉस चेक करते हैं तो एलसीएम तो ये आएगा आएगा, न्यूमरेटर विल बी r प्लस 1 माइनस r माइनस 1. सो न्यूमरेटर में 2 आ रहा है इसलिए बाहर हम कर देते हैं 1/2, राइट. अब r को 2 3 4 हम पुट करेंगे, ठीक है ना. तो हम देखेंगे कि टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी. तो मैं यहां लिखता हूं, सो 2 पुट करने पे आ जाएगा 3 पुट करने पे आ जाएगा 4 पुट करने पे वी विल गेट 5 पुट करने पे. सो वी कैन ऑब्जर्व कि जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो सीधे सीधे ऑल्टरनेटली कैंसिल होकर 2 के बाद कैंसिल होना शुरू हो रही हैं, लाइक दैट 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5. तो यहां पे 2 टर्म बचेंगी, तो लास्ट में भी 2 टर्म बचेंगी. तो लेट मी फर्स्ट चेक द सम अप टू एन टर्म्स 2 टू एन, देन वी विल अप्लाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. सो एन माइनस 1 पुट करने पे वी विल गेट, और n पुट करने पे वी विल गेट 1/3, 1/3 इससे कैंसिल हो जाएगा एड करने पे, ये 1/4, 1/4, ये 1/5, 1/5. तो ये इस तरह से कैंसिल होके यहां पे ये 2 टर्म बचेंगी स्टार्टिंग की, और यहां पे ये लास्ट की 2 टर्म बचेंगी. सो वी हैव सिग्मा r इक्वल टू 2 टू n 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1, सेट इज एस एन, दिस इज 1/2, 1/1 + 1/2 - 1/n - 1/n + 1. Therefore, required sum up to infinity that is 1/2, 1 + 1/2. और n जब इन्फिनिटी होगा तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी 0. सो 1 + 1/2 = 3/2 and 3/2 × 1/2 = 3/4, राइट. दैट मीन्स b इज द करेक्ट ऑप्शन.